रेनबो फैमिली, वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। आज की जो मेरी वीडियो है वो है ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी सेट के बारे में और झुमकास वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरा कलेक्शन है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो कलेक्शन है मैंने कहाँ से परचेस किया है और क्या रेंज में मिला है, तो क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। क्योंकि गाइज मैं मोस्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग ही करती हूँ, मैं ज़्यादा मार्केट वगैरह नहीं जाती हूँ शॉपिंग करने। बिकॉज पहले मैं जाती थी, लेकिन जब से मेरे दो बेबीज है तो ट्रैवल करके शॉपिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वैसे भी मुझे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और हर ऑनलाइन शॉपिंग मुझे नहीं पसंद आती है, ज़्यादातर पर पसंद है। जब भी उसमें रिटर्न पॉलिसी या एक्सचेंज पॉलिसी होती है वहीं से मैं परचेस करना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमें अच्छे प्रोडक्ट नहीं आते हैं या जो दिखाया जाता है वो नहीं आता है। अगर उसे रिटर्न करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती है या एक्सचेंज करने में डिफ़िकल्टी नहीं होती है तो ही मैं परचेस करती हूँ। तो ऐसा ही एक ऑनलाइन इंस्टाग्राम स्टोर है जहाँ से मैंने बहुत सारे झुमकास एंड ज्वेलरी सेट परचेस किए हैं ऑक्सीडाइज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूँगी ये मून ज्वेलरी के बारे में, ऑक्सीडाइज जो मैंने पहन रखा है। ये इयररिंग्स है एंड रिंग है एंड इसके साथ एक नेकलेस है गाइस, ऐसे चोकर टाइप। ये बहुत अच्छा है, अभी स्क्रीन पे आपके हाईलाइट हो रहा होगा मेरे स्क्रीन पे कि ये ज्वेलरी सेट मैंने पहना हुआ है पहले भी, तो आप देख सकते हो उसका लुक कैसे है। और ये मैंने परचेस किया है गाइस अराउंड 300 से 350 के बीच में। क्योंकि मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ ना, क्योंकि कभी कभी ऑफ़र चलते हैं वहाँ पे, जैसे बाय वन गेट वन भी होता है या प्लस कुछ भी सेल ऑफ़र होता है, तो उस टाइम पे मैंने परचेस किए हुए हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो अगर मैं आपको एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट बताऊँगी और आपको वो अमाउंट में नहीं मिलेगा तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको एक रफ राउंड फिगर बता रही हूँ, 300 से 350 के बीच में आपको ये सेट, ज्वेलरी सेट मिल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। ये ज्वेलरी आप इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों पे पहन सकते हो। जैसे मैंने अभी वेस्टर्न पहन रखा है तो भी ज़्यादा प्रेटी लग रहा है, और अगर आप इंडियन पहनते हो तो उस पर भी ज़्यादा अच्छा लुक देगा। तो ये है मून ज्वेलरी। अब मैं आपको बताऊँगी दूसरा मैंने परचेस किया है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, क्योंकि ये इन ट्रेडिशनल पे ज़्यादा जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये झुमके के साथ में ये चेन मिला है बहुत खूबसूरत सा, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। और वैसे आप स्क्रीन पे तो देख ही रहे होंगे ये मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, देखिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ट्रेडिशनल पे। और इसके साथ मांग टीका है गाइस, और इसका रेंज है गाइस 300 के करीब, 250 से 300 के करीब ये लिया है मैंने। और इस मैं इसे दो टाइप से पहनती हूँ, जैसे ये लेफ्ट साइड का इयररिंग्स है, तो मैं क्या करती हूँ जब भी कभी कभी मुझे पहनना होता है और मुझे चेन ऐसे पीछे हैंग करना नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ राइट साइड का इयररिंग लेफ्ट साइड में पहनती हूँ, ऐसे पहनती हूँ और ये सारी चेन को मैं ऐसे पीछे कर लेती हूँ ऐसे, तो भी ये बहुत खूबसूरत लुक देता है। देखिए बहुत लोगों को ऐसे चेन की रिक्वायर्ड होती है जो पीछे वो पहनते हैं, तो इसमें हम दोनों स्टाइल आप कर सकते हो। तो ये इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक इयररिंग मैंने लिया हुआ है और ये थोड़ा हैवी एंड लॉन्ग लेंथ है, एंड इसमें ज़्यादा हैवी भी नहीं है जितना ये दिखता है, थोड़ा ठीक ठीक है, इतना ओके है। एंड इसका जो पिंक कलर का ये है, इसमें मोती जो बनी हुई है, मोती से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेटी लगता है गाइस, मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। पर ये कॉस्टली है गाइस, ये 400 से 450 के करीब ये इयररिंग है। सबसे कॉस्टली इयररिंग मुझे यही मिला था ऑक्सीडाइज में। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न दोनों पे जाएगा।
एक मेरे पास जो इयररिंग है वो है पिकॉक इयररिंग, ये सब कलरफुल है, ये आप कोई भी ड्रेस में, वेस्टर्न ड्रेस या ट्रेडिशनल ड्रेस में आप ट्राई कर सकते हो, ये कोई भी कलर में जाएगा। जैसे ये स्पेशली कुछ कलरफुल क्लोथ हो या कोई मेन प्लेन ब्लैक हो या प्लेन वाइट हो उस पर भी बहुत अच्छा जाएगा गाइस। देखिए वैसे ये डेनिम पे भी बहुत अच्छे से जा रहा है। तो ये इयररिंग मैंने परचेस किया था गाइस 200 के करीब। ये है 3 झुमकास और इसे हम डिफरेंट स्टाइल्स में पहन सकते हैं, और ये मैंने परचेस किया था 150 में गाइस। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 150 है, कभी कभी इससे कम रेंज में भी आपको मिल जाएगा 130 तक। एंड इसे देखिए हम ऐसे पहन सकते हैं, फिर इसका एक स्टाइल है, मैंने ऐसे ही पहनती हूँ ज़्यादातर, बहुत अच्छा लुक आता है इससे। ये भी सेम है गाइस, मोस्ट ऑफ ऑक्सीडाइज इयररिंग्स जो होती है वो ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न दोनों में आप पहन सकते हो, इसका यही एक बेनिफिट होता है। मोस्ट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी का क्या होता है, आप ट्रेडिशनल आउटफिट पे ही ज़्यादा पहन सकते हो, वेस्टर्न में इतना अच्छा नहीं जाता है, अगर छोटे टॉप्स हो या छोटा इयररिंग हो तो ही वेस्टर्न पे जाता है, लेकिन ऑक्सीडाइज की यही खासियत है कि ये सब पे चला जाता है। अब मैं बात करती हूँ इसे झुमके की, जो मैंने परचेस किया है अराउंड 200 के करीब। ये ट्रेडिशनल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा गाइस। मेरे पास इयररिंग्स बहुत थे तो मैंने एक नेकलेस परचेस किया है ऑक्सीडाइज का गाइस। ये देखिए ये वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल दोनों पे जाएगा। ये मैंने अपनी लास्ट पिछली वीडियो में पहना भी था, और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये 180 से 200 के करीब में ही आपको नेकलेस मिल जाएगा, और कभी अगर डिस्काउंट हो मे बी इससे भी ज़्यादा आपको लो प्राइस में मिल जाएगा। रिसेंट वीडियो था मेरा जिसपे मैंने पहना था, वो ये सेट है, ये वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल दोनों पे जाएगा, और इसका इयररिंग है ऐसे कुछ, बहुत ही खूबसूरत है गाइस। इसका सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट ये है, ये लगता बहुत ज़्यादा हैवी है लेकिन बिल्कुल भी हैवी नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके आपने ये नेकलेस पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और इसमें भी गाइस बर्ड बना हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो, और ये मुझे अराउंड मिला था 200 से 250 के करीब में गाइस ये पूरा सेट। तो ये बहुत वर्थ है क्योंकि हम इसे भी इंडियन एंड वेस्टर्न में पहन सकते हैं, और वेस्टर्न में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्पेशली जब आप लॉन्ग स्कर्ट पहन रहे हो या लॉन्ग प्लाजो पहन रहे हो और ब्लैक कलर का हो और या वाइट कलर का हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा उस पर। मैंने ब्लैक कलर में ही पहना है अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो। तो गाइज ये सारा जो मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी परचेज किया है ये मैंने किया हुआ है इंस्टाग्राम स्टोर्स है, और उस पेज का नाम है सुहाना कलेक्शन। अगर आप ऐसे नहीं सर्च कर पाओगे तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी के साथ साथ बहुत सारा कुर्ता भी है उनके पास, बहुत सारे रेंज में एवरीथिंग है एक्चुअली, उनके शॉप पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, और मैं मोस्ट ऑफ मेरा ऑलमोस्ट सब शॉपिंग मैं वहीं से करती हूँ सुहाना कलेक्शन से। मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी कुर्ता हॉल पे भी बनाने वाली हूँ, लखनवी कुर्ता हॉल पे, एंड गोल्ड ज्वेलरी पे भी बनाने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा गाइस, उसमें भी आपको शायद कुछ एक्साइटिंग लगे और कुछ कम रेंज में। मैं चाहती हूँ कि आपको हेल्प हो, आप कम रेंज में अच्छी चीज़ें परचेज करें। वहाँ का एक बेनिफिट ये है सुहाना कलेक्शन का कि वहाँ पे आप एक्सचेंज भी कर सकते हो एंड प्लस आप रिटर्न भी कर सकते हो, से अगर कोई डिफेक्ट हो या आपको रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया है तो आप रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल है, और अगर आपको कुर्ती वगैरह में साइज इशू है तो आपको एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये दो पॉलिसी बहुत अच्छे से इजीली अवेलेबल है क्योंकि मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है गाइज, तो आप सुहाना कलेक्शन से परचेज कर सकते हो। तो मेरी ये वीडियो थी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी सेट के बारे में। तो आज की ये वीडियो गाइज आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।